we thought we will take a look at the city, go to the Sariu Ghat, and what better than a battery rickshaw? Let's board this and see how the city looks like in the evening. Three-kilometer distance from the airport, needless to say, something that all the devotees, both national and international, would be waiting for. अयोध्या आते जाते रहते हैं? हाँ, अयोध्या आते जाते रहते भैया। काम से आते हैं या? नहीं, दर्शन मेला करने आए हैं। दर्शन मेला जी। अच्छा अच्छा, तो अभी कहाँ जा रहे हैं? सरयू घाट। सरयू घाट जा रहे हैं आपके देखने के लिए। अच्छा, क्या शुभ नाम हुआ आपका? अमित शुक्ला। अमित शुक्ला जी, शुक्ला जी ये बताइए कि अयोध्या तो पहले तो लोग जानते थे कि हाँ भाई वहाँ एक राम मंदिर है छोटा सा, अब तो सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी बात हो रही है अयोध्या की, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हमारी अयोध्या जो है बिल्कुल तरक्की के ऊपर है, सारी चीजें बन रही हैं और भैया बहुत अच्छा लग रहा है, और भी बन रहा है यहाँ पे, जो गवर्नमेंट कर रही बहुत अच्छा कर रही है यहाँ पे। अच्छा, तो कहते हैं कि योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है मोदी जी की, उन्होंने मिलकर पहले काशी विश्वनाथ बनाया, अब यहाँ पर इसका निर्माण करा रहे हैं, बहुत भव्य मंदिर है। हाँ, तो बहुत भव्य मंदिर बन रहा है यहाँ पे, सारी व्यवस्था और ये रोड भी बन रही है जी, बहुत ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। लखनऊ पहले एक तरीके से उत्तर प्रदेश की शान मानी जाती थी, अब अयोध्या में इस तरह का निर्माण हो रहा है, सड़कें बदल दी गई हैं, अच्छी लाइट्स लगाई गई हैं, हर तरह की व्यवस्था की गई है, तो लगता है कहीं ना कहीं अब ध्यान लखनऊ से हटके अयोध्या पर केंद्रित हो जाएगा। नहीं नहीं, लखनऊ अपनी जगह पे राजधानी है, अयोध्या भी भगवान राम की राजधानी है, समझ लीजिए यहाँ पे भगवान ने 30,000 वर्ष राज भोगी है, राजा रामचंद्र जैसा कोई राजा नहीं हुआ है पृथ्वी पे, अच्छे एक राजा हुए हैं, तो इसलिए जो है अयोध्या का नाम तो सदियों से चला आ रहा है। हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे अयोध्या नगरी और राम के जन्म की कहानियां जो थी, फिर वनवास हुआ, फिर भरत जब वनवास में गए और चरण पादुका लाए राम जी की, तो मंदिर कहीं आसपास ही है उनकी भी? जी, कनक भवन में जाते हैं वहाँ चरण पादुका का मंदिर बना हुआ है। अच्छा अच्छा, बीचों बीच में जो चरण पादुकाएं रखी हैं वो राम जी की ही है निशानी उस अच्छा। जमाने की। और दूसरे नंबर में कनक भवन के अंदर भगवान ठाकुर जी का भी मंदिर बना हुआ है, नंबर वन का कनक भवन है, फिर राम मंदिर बन रहा राम लला जी का, उसी के अंदर भरत कुंड यहाँ से 15-16 किलोमीटर पे दूरी पे है जी, जी। और यहाँ पे हमारे पूरी कुंड है आगे। भाई मंदिर जो यहाँ बन रहा है उसके बारे में कुछ विशेषता बताइए, आज सुबह हम लोग गए थे। हमारा जो हिंदुओं का बन रहा है तो बहुत बड़ी विशेषता है भाई, हमारे योगी जी मोदी जी नहीं होते तो ये मंदिर भी नहीं बन पाता जी, जी, जी। हमारी भाजपा गवर्नमेंट को धन्यवाद है, हम लोगों को हिंदू दे रहे हैं कि गवर्नमेंट मंदिर बनवाने के लिए लगी है पूरी तरह से सहयोग। लखनऊ से जब आते हैं इधर और अयोध्या की तरफ तो कौन सा साधन इस्तेमाल करते हैं, बस से आते हैं, खुद से आते हैं, कैसे जैसे रोडवेज भी आते हैं, ट्रेन से भी आ जाते हैं, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनके लिए ट्रेन और बस की सुविधा है, सड़कें अच्छी हैं, सब बढ़िया हैं? हाँ बढ़िया है, रोडें बढ़िया भी हैं और ट्रेन भी बढ़िया है आने के लिए लखनऊ से अयोध्या के लिए। बाकी यहाँ पे बहुत बड़ा डेवलपमेंट 14 कोसी का परिक्रमा भी हम करने आए थे अभी कार्तिक के महीने में। अच्छा अच्छा, अच्छे नवमी को होता है, फिर उसके बाद में एकादशी को 5 कोसी परिक्रमा होता है, तो ये भी परिक्रमा हमने किए है यहाँ पे। अब ये 17 तारीख को राम विवाह है, राम विवाह में दर्शन करके भगवान को फिर जाएंगे अपने नैमिषारण्य धाम। नैमिषारण्य। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ये सत्यनारायण जी की कथा में जो सुनते हैं, पहला श्लोक आता है, एक दाना भी शरण है ऋषया सो नकाद्या पत्पा सोन्यम सर्वे व्यासम सोतम फलो। भगवान राम को वहीं से मांग के लाए हैं, मनु जी ने वहाँ पे 23,000 वर्ष तपस्या किया है, रामायण अच्छा। में बालकांड में लिखा भी है, बरबज राज तय बन कीना नार याद समेत बन कीना पहुँचे जाए मुनि हनुमत कीरा हरस नहाने निर्मल लीला विद्या ऋत्य देख या पारा मनु समीप आए बहुवारा तीरथ पर नैमिष विख्याता अत पुनीत सादर सिद्धाता। वहाँ माँ ललिता देवी का मंदिर बना हुआ है और वहीं पे मनु जी ने एक पैर सिठाड़े होकर दोनों भुजाएं सूर्य के समक्ष 23,000 वर्ष तपस्या किया और फिर उनको वर के रूप में अनशन सहित लीने उतारा
अच्छा, अंश के साथ ही सहित लीनो अवतारा। बिल्कुल, ऐसा कहा यहाँ चार पुत्रों की प्राप्ति है, वही राजा दशरथ हुए, माता कौशल्या हुई है, उन्हीं के द्वारा भगवान राम की प्राप्ति हुई है। चलिए, हमको लगता है भगवान राम का आशीर्वाद भी हम लोग सब लोगों को प्राप्त हो, इसी में सबकी सफलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो सबके पूरे जग कल्याण के लिए कहते हैं भगवान, यहाँ राम जी सबको अच्छा रखें। चलिए, हम लोग सरयू घाट ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। दिस वाज मिस्टर शुक्ला फ्रॉम नखलाऊ एंड ही इज वन हु कम्स हियर रेगुलरली टू ऑफर हिज प्रेयर्स एंड आल्सो टेक अ राउंड। लुक एट दिस वन, अ वीणा, इफ यू कैन टेक अ लुक हियर, life size veena which has been showcased right at this chauraha in Ayodhya. One India is bringing you all the latest from the city Ayodhya, where Ram temple is coming up. Stay with us, keep watching this space.